मध्य प्रदेश के मुखिया सहित आज पूरी पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा किए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं भोजपुर विधानसभा में। यहां गौहरगंज में भी भाजपा से प्रत्याशी और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा ने अपना नामांकन जमा किया है। सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं सर, आज आपने नामांकन जमा किया है और लगभग आप देख रहे हैं कि आज के दिन पूरे मध्य प्रदेश में भी नामांकन जमा हुए, शिवराज सिंह चौहान ने भी नामांकन जमा किया। जी जी, हमारे जिले में भी लगभग 3 विधानसभाओं में आज नामांकन हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने फॉर्म भरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी फॉर्म भरे हैं। अब कैसे देखते हैं सर, अब नामांकन हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, कैसे देख रहे हैं आप पूरे प्रदेश में? हमारी तैयारी पूरे प्रदेश में पिछले 5 सालों से चल रही है और यहाँ पर भी इस विधानसभा में भी लगातार संगठन और सरकार का समन्वय रखते हुए हम लोगों ने तैयारी की है। एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की कर्मठता और उनकी मेहनत है। 1990 के बाद राजकुमार पटेल फिर आपके सामने है, पहले बड़े साहब के सामने थे, अब आपके सामने है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, देखते तो ऐसे हैं कि 33 साल से वो थे ही नहीं, उन्होंने हालचाल ही नहीं पूछे, सुख दुख में ही नहीं आए। और स्वर्गीय पटवा जी और हम तो 45 साल से हैं यहाँ पर। कोई चुनौती उनसे? नहीं, चुनौती तो है ना, चुनौती तो है, वो वोट ले जाएंगे, एक वोट भी लेगा तो चुनौती तो है ही है। तो अब क्या एक रणनीति कोई तैयार की गई है अलग से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा रणनीति में बहुत माहिर है? रणनीति बना रखी है, वो जो बाहर से लोग ला रहे हैं 1200-1500 बूथ पे रखने के लिए, तो हमने सबको बता दिया कि भैया बाहर के लोग नहीं चलेंगे, उनके कार्यकर्ता तो है नहीं यहाँ पर, ऐसा मुझे मालूम पड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा। कांग्रेस के साथ इस बार एक नई चीज है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी इस बार भोजपुर विधानसभा में दिखाई नहीं दे रहे। ये कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए, हमारे बहुत ही सम्मानी और आदरणीय हैं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने पिछले दोनों चुनाव लड़े, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण से उन्होंने चुनाव लड़े। लाडली बहना का जो इफेक्ट है कितना पड़ेगा, क्योंकि आप गांव-गांव जा रहे हैं, सभी लोगों से आप सीधे सीधे आप संपर्क कर रहे हैं, तो लाडली बहना को कैसे देखते हैं? लाडली बहना सैलाब है, सैलाब, इसको कोई नहीं रोक सकता, जबरदस्त प्रदेश में सरकार आन बान शान से फिर से बनेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र पटवा जी, जिनका सीधा कहना है कि लाडली बहना जो है कि सैलाब है, प्रदेश में आन बान शान के साथ वो सरकार बनाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, गौहरगंज।